I am starting chapter 2 remaining part. अर्थात chapter 2 का शेष भाग. Nutrition in animal, name of chapter. Topic is the food pipe / oesophagus. आपको इससे पहले मैंने समझाया था. This is the mouth and this pipe is attached to the mouth and this and these stomach. यानी कि ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये फूड पाइप कहलाता है. ये जनरली है, हाँ? और ये रन नेक टू द चेस्ट, और ये गर्दन से छाती की तरफ जाती है. नेक टू द चेस्ट. बच्चों, इसका जो भी हम एक तरह से फूड च्यूइंग करते हैं, उसके बाद फूड पुशेस द फूड पाइप डाउनवर्ड. इस पाइप के द्वारा भोजन नीचे की तरफ जाता है, यानी स्टमक में जाने का एक रास्ता है. फूड का माउथ से स्टमक में जाने का एक रास्ता है. इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड, है? अच्छा, इसके बाद कभी कभी हम जो है स्पाइल्ड फूड, डैमेज फूड या अनवांटेड फूड खा जाते हैं. ऐसी स्थिति में ये फूड की जो मूवमेंट है, ये डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो जाती है, और जिस प्रोसेस का नाम है वोमिटिंग आउट, उल्टी करना. यदि कोई अवांछनीय पदार्थ खा जाते हैं या खराब पदार्थ खा जाते हैं हम, तो हमें वोमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है. किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू. अब ये तो हो गया फूड पाइप. नेक्स्ट है द स्टमक. स्टमक आप देख रहे हैं, सी है, ये जो स्ट्रक्चर है, आप स्टमक देख रहे हैं. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक. अब देखिए, सबसे चौड़ा भाग है, थैले जैसी संरचना है इसकी, और यू शेप होती है, और जो भोजन फूड पाइप के द्वारा आया है उसे ये रिसीव करती है. स्टमक उस फूड को रिसीव करता है, रिसीव द फूड. इसका एक सिरा जो है स्टमक का जुड़ा होता है फूड पाइप से, और दूसरा सिरा जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब इसका फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव फ्यूज. क्या क्या उत्पन्न करता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस. अब बच्चों, इनके फंक्शन क्या है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो आंतरिक दीवारें होती है स्टमक की, उनको म्यूकस सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाता है, और ये फूड को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. अर्थात ये किल द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, और एसिडिक मीडियम की वजह से डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर फंक्शन करते हैं. तो इस समझ गए कि स्टमक क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग्स को. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को एसिडिक बनाता है, उसमें जर्म को किल करता है, और डाइजेस्टिव जूस इसमें पैदा होते हैं, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस. नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो, ये वाली छोटी छोटी जो बहुत कॉइल्ड नली होती है, और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, काफी लंबी होती है, इतनी लंबी नहीं होती कोई भी. अब देखिए क्या है कि ये 7.5 मीटर लॉन्ग, और रिसीव द जूस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स एज ए लिवर, पेंक्रियास, है? और जो लिवर के द्वारा जो जूस पैदा होते हैं वो इसी में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. पेंक्रियास से जो जूस पैदा होते हैं वो भी सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. लिवर आप देख रहे हैं, ये वाला भाग लिवर है, ये गाल ब्लैडर है, समझे नहीं? इससे बाइल जूस पैदा होकर के यहां इकट्ठा होता रहता है. इसी के स्टमक के पैरेलल एक ग्लैंड है जो क्रीम कलर की होती है, हैं? जो पेंक्रियास कही जाती है, और पेंक्रियाटिक जूस उत्पन्न होती है, इससे इंसुलिन पैदा होता है इससे. और बच्चों, ये जो है जो तुम्हारा लिवर जो है वो ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है. अब आगे देखिए, इसमें हम बता रहे थे आपको कि लिवर
क्या उत्पन्न करता है? बाइल जूस। बाइल जूस जो है कहां इकट्ठा होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको। और ये बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है फूड में? फैट को। फैट डाइजेस्ट हो जाता है इससे बच्चों। अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करते थे? ग्लूकोज में। फैट को किसमें करते थे? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें कर देते हैं? फैट किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ऐसी प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? अमीनो एसिड में। दोबारा सुनिए, 7.5 मीटर लॉन्ग ये कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है और जूस रिसीव करती है किससे? लिवर से, पेंक्रियास से। और लिवर जो है वो बाइल जूस पैदा करता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जो कहा इकट्ठा होता रहता है? गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर से भोजन मिलता रहता है और भोजन को में फैट को डाइजेस्ट करता है बच्चों। फिर कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। फैट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड में। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है नीचे तक, है लोअर पार्ट तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन का काम तो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब एब्जॉर्प्शन का भी, भोजन को सोखने का काम भी यही करती है। एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स। अब जो पचा हुआ भोजन है वो कहां चला जाता है? ब्लड वेसल्स में। इन द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उससे होते हुए। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस का क्या नाम है? एब्जॉर्प्शन। समझ गए? जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड वेसल्स में चला जाती है इन द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन में। और इस प्रोसेस का क्या नाम है? एब्जॉर्प्शन। अब विली द इनर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोन स्ट्रक्चर्स फिट विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, विली क्या है? जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें छोटी उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। समझे नहीं? एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, भोजन का शोषण अच्छी तरीके से हो जाता है। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन बच्चों ये क्या होता आता है? एब्जॉर्प्शन जो फूड किया गया है, भोजन इस प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब फूड किया गया है वो ब्लड वेसल्स में चला गया। ब्लड वेसल से ये डिफरेंट ऑर्गन में चला गया बच्चों। डिफरेंट ऑर्गन में ये बोल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इससे जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ। सच एज द प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन जो बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो बच्चों पचे हुए भोजन का डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना और वहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनना है, जैसे प्रोटीन, और जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, और प्रोसेस का क्या नाम है? एसिमिलेशन। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज, बढ़िया बच्चों। इसमें जो है डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बाकी क्या है कि ये सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे मतलब लॉन्ग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। देखिए आप यहां देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला भाग जो है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो ये एंड है ये रेक्टम कहलाता है, ये एनस कहलाता है। सबके अलग अलग फंक्शन है बच्चों। तो 1.5 मीटर लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये वाइडर पार्ट होता है, चौड़ा भाग होता है और ज्यादा लंबा नहीं होता, शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों? एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे साल्ट और वाटर एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट हो जाता है, जो उसमें कुछ नहीं रहता, समझे, जो एक तरह से अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित भोजन है या वेस्ट है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू द रेक्टम। जो भाग अब बचा हुआ है जो अनडाइजेस्टेड है वो कहां इकट्ठा हो जाता है? रेक्टम में बच्चों। और फिर क्या होता है? एंड रिमेन एज द सेमी सॉलिड फेसेस, और सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है। तो अब ये जो सेमी सॉलिड भाग जहां पर रहता है, तो
तो अब ये भी वेस्ट है हमारे लिए, तो ये रिमूव हो जाता है किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। तो रिमूविंग क्या कहेंगे, इजेशन, एक प्रोसेस है इजेशन बच्चों। इजेशन में क्या होता है, रिमूविंग द सेमी सॉलिड फेसेस थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन, अर्थात मल का एनस के थ्रू बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजेशन बच्चों। तो ये रहा इस चैप्टर की वीडियो का एंड, और आगे फिर बच्चों इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।